विकास तो आज तक नहीं हुआ है, जब से हम लोग का हेमंत सरकार आए। आज यहाँ का गरीब गुरबा आज भी दतुन बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है। राज्य में जो सरकार आना चाहिए या बीजेपी का आना चाहिए। हम लोग केंद्र में भी बीजेपी रहे, राज्य में भी बीजेपी का सरकार होना चाहिए। वोटे नहीं दीजिएगा तो काहे देंगे सर, जब कुछ मिलवे नहीं करेगा हमको वोट देखिए। सरकार को आप देखिए रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, 6 महीना जेल में अभी रह के आए हैं, कुछ कांड किए तभी ना गए हैं। सिर्फ ये मैया सम्मान योजना या ये सब से जो बाहरी बेनिफिट है उससे नहीं होगा, हम लोग को बेस चाहिए। नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो है वोटिंग जो है ताबड़तोड़ हो रही है। यहां पर खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जो जागरूक मतदाता है, यहां पर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग जो है आज हो रही है और लगातार हो रही है, और इसमें जो वोटर है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और खिजरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्लोज फाइट अगर देखा जाए तो क्लोज फाइट जो है कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी में देखी जा रही है। हालांकि जनता से जुड़ेंगे और हम जानने के प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करने आए थे और क्या कुछ सोच कर आए थे। जी पहले तो आपका नाम बता दें। मेरा नाम लाल सुबोध नाथ सहदेव हुआ। हाँ जी, क्या मुद्दा है और क्या किस क्षेत्र के क्या विकास हुआ है, क्या है बताइए। विकास तो आज तक नहीं हुआ है, जब से हम लोग का हेमंत सरकार आए। आज यहाँ का गरीब गुरबा आज भी दतुन बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है, आज भी उसी स्थिति में है। और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार यहाँ आए, ताकि यहाँ जो हमारा जिस तरह योगी जी का यूपी में सरकार है, आज उस तरह हमारा भी यहाँ हो, सभी समुदाय को यहाँ अच्छा फैसिलिटी मिले, प्रशासन यहाँ का सही से न्याय करे, यही हम लोग चाहते हैं। आज योगी जी हो, मोदी जी हैं, हम लोग जय श्री राम का एक ये है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग का भी झारखंड में विकास हो। खिजरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हैं राम कुमार पाहन जी और राजेश कच्छप जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो उनको किस रूप में देखते हैं। देखिए रूप में देखिए विधायक हम किसी का ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग राम कुमार पाहन अगले बार चुनाव हार गए थे और इस बार हम लोग चाहते हैं कि फिर से राम कुमार पाहन आए और हम लोग झारखंड का राज्य की हम लोग को मेन हम लोग राज्य देख रहे हैं, सरकार की ये देख रहे हैं। विधायक तो है ही हैं अपने जगह, लेकिन जो राज्य में जो सरकार आना चाहिए या बीजेपी का आना चाहिए, ताकि हम लोग भी यहाँ स्वच्छ से रह सकें और हर तरह से हम लोग को यहाँ व्यवस्थापक व्यवस्था मिले, और यही चाहते हैं। देखिए परिवर्तन चाहते हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं और यहाँ पर जागरूक मतदाता हैं, बुज़ुर्ग हैं। जी बताइए कि कितने सालों से वोट दे रहे हैं। हम तो करीब 30 साल से वोट दे रहे हैं बाबू। आपको लंबा अनुभव है, ठीक है, तो जब आप घर से निकलते हैं तो क्या सोच करके निकलते हैं, किस मुद्दे पर वोट दिए हैं आप? किस मुद्दे पर वोट दिए, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए और वो अच्छी चाहिए कि जो मतलब हम लोग को शक्ति का बचाव हो, प्रतिष्ठा हो, सुरक्षा चाहते सुरक्षा है। हाँ अच्छा, अब क्या सुरक्षा चाहते हैं? मैंने वही जो है हम लोग है ना बाबू, क्या अच्छा सुरक्षा चाहते हैं। हाँ अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर क्षेत्र की जनता आप हो गए, बदलाव होना चाहिए? हाँ, या वर्तमान विधायक जो काम से खुश है ना, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। जोर से बोला। हाँ बोलबे किए तब जोर से का, जितना अच्छे होते हैं ना बोले ना बाबू। विकास होना चाहिए। हाँ विकास होना चाहिए, शिक्षा रोजगार। हाँ 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 सब चीज़ आप देखना चाहते हैं। हाँ सर, लेकिन इन 5 सालों में हुआ या नहीं? नहीं हमारा तो नहीं बुझा रहा है बाबू। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भाई मैया सम्मान योजना है, बहुत सही ऐसा योजना है, सब योजना कहाँ सब योजना है, लेकिन हम लोग को जो चाहिए वो नहीं हो रहा है भाजपा बाबू। देखिए मैया सम्मान योजना की बात करें तो मैया सम्मान योजना की बताइए, मैया सम्मान योजना की जो बात करें तो हेमंत सरकार तो दे रही है,
तो कहीं नहीं मिला है, सभी को नहीं मिल पाया है अभी तक। हाँ ये खाता मिल रहा होगा, आप लोग छुपाने नहीं, नहीं मिलवे नहीं किया है, अभी हम अकाउंट ला के दिखा देंगे 10 गो महिला का। अच्छा मिलवे गया, जहाँ तहाँ एगो दूगो को मिल गया है और नहीं मिल पाया है। हाँ खाली खाता खोलाने में 2000 रुपया लगवा दिए हैं। अब बोलेंगे मैया योजना में जिसको तिसको दो चार आदमी को मिल गया जहाँ तहाँ, और बहुत लोगों को तो मिलवे नहीं किया, पासे नहीं हुआ है, तो कहता है कि ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, 9 गो नखड़ा बाद में पब्लिक को बरगला के वोट देने के लिए लोग वैसा करता है। तो क्या मुद्दा लेके आप वोट किए? क्या है बीजेपी, हम लोग केंद्र में भी बीजेपी रहे, राज्य में भी बीजेपी का सरकार होना चाहिए और बढ़िया विकास होना चाहिए, रोड नाली रास्ता रोड जो है मजबूत होना चाहिए, बिजली पानी मजबूत होना चाहिए, जहाँ जो कमी है उसको भरपाई करे सरकार, देखभाल करे। तो बिजली पानी जो बोल रहे, बिजली तो माफ़ हो गया ना? अभी ना माफ़ हो गया है, तो माफ़ किए ना हेमंत सरकार? हम हेमंत सरकार है, मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो भी नेता है अच्छा काम करे, पब्लिक को दिल को जीते, वही नेता कहलाएगा। तो विधायक जी काम नहीं किए हैं 5 साल में? हमको तो ऐसा कुछ बढ़िया काम दिखाई नहीं दिया है। अभी जो मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर 2 साल के अंदर बनवा के दिखा दिए, जो 500 साल से नहीं बन पा रहा था। अच्छा वो कैसे बन गया 2 साल में? राशन फ्री कर दिए, गरीब को लॉकडाउन में देखभाल किए, फ्री में अनाज कर दिए, बहुत सा उन्होंने काम किया है, देश को सुधारने में लगे हुए हैं, हर कानूनी कार्रवाई को सुधार कर रहे हैं, हर देश एक दूसरे को मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने का इनका मौका है, और भी बढ़ेंगे, हम यही चाहते हैं। वोट दिए? वोट दिए आप? वोट दिए? वोट तो नहीं दिए सर, अभी नहीं दिए, लास्ट में देंगे, लास्ट में, लास्ट में। अरे बाप रे, युवा जागरूक होता और वोट आप अभी दिए नहीं तो सर क्या करें, अभी हिम्मत नहीं देने का ना, तो गलत है ना, तो क्या करें सर, हम लोग भी बेरोजगार हैं ना, सब है, तो वोट देना है या नहीं देना बोले? क्या करें सर, पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार है, कोड़ी चला रहे डेली, घर की स्थिति खराब है, और क्या करें, वोट दे के क्या कर सकते? वोटे नहीं दीजिएगा तो कहे देंगे सर, जब कुछ मिलवे नहीं करेगा हमको, वोट दे के क्या मिलेगा हमको बताइए? वोटर कार्ड तो है? हाँ, वोट तो आपका एगो बेकार चला जाएगा, क्या करेंगे सर, बेरोजगार हम भी हैं, हमको रोजगार मिलेगा तो वोट देंगे। देखिए युवा है और अपना कीमती वोट जो है जाया करना चाहते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम युवा है, बेरोजगार है, तो हम वोट क्यों करें, ऐसे से लोग भी यहाँ पर मिल रहे हैं, बड़ी बात ये है जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा जी, इधर आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज जी, हम मोसीबाड़ी जनातपुर में से रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप घर से सोच के क्या निकले थे? घर से सोच के निकले थे कि सरकार को परिवर्तन लाना है। हाँ। सरकार बदलना है इस बार, इस बार का सरकार भ्रष्ट सरकार है, महंगाई चरम आसमान पर पहुंच गया है, बालों का दाम जो 12-13 हज़ार में हाईवे मिलता था 50,000 में भी नहीं मिल रहा है, मजदूरी तंग है, बाहर का मजदूर आके हम लोग का झारखंड में काम कर रहा है और यहाँ का लोकल मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, जो यहाँ का न्यूनतम मजदूरी 500 रुपया है, ढाका बंगाल का आदमी आके 200-300 में कर रहा है लोकल बड़ा बड़ा ठेकेदार। अरे सरकार तो काम कर रही है ना, सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा, आरोप लग रहा है। सरकार काम कर रही है सर, सरकार को आप देख ही रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, 6 महीना जेल में अभी रह के आए हैं, कुछ कांड किए तभी ना गए हैं, ऐसे तो नहीं गए हैं। तो फिर तो बरी हो गए ना? बरी कहाँ हुए हैं, अभी तो बेल में आए हैं। अच्छा, बरी तो नहीं हुए हैं, जब बरी होंगे तब ना उनको पता चलेगा। अच्छा, अभी तो केस चल रहा ना सर। वर्तमान जो विधायक है उनके बारे में बताइए कि कैसा काम किया? वर्तमान विधायक राजेश कच्छप जी है हमारे। हाँ। जो आज तक हमारे क्षेत्र में 50 फीट का नाला बना के दिए हैं 5 सालों के अंदर, एक बार भी क्षेत्र में घूमने नहीं आए हैं, और आज हम परिवर्तन चाहते हैं, बस परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, इसलिए हम उनका खिलाफ वोट मार रहे हैं भैया। अच्छा, उनके खिलाफ ही दे दिया आप, तो क्या करेंगे, जब सरकार परिवर्तन करना चाहेगा तो वोट खिलाफ मारेगा तब ना होगा, तो उसी में मारेगा तो फिर तो वही रह जाएंगे। दे दिए? हाँ भैया, वोट तो दे दिए भैया। अच्छा, कितने साल से दे रहे? मेरा 4 साल से हो गया वोट देते हुए। 4 साल से दे रहे? हाँ, 4 बार हो गया। अच्छा, इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर जो है वोट देने आए? वोट फॉर चेंज, हम लोग चेंज चाहते हैं, और हम बाई हार्ट हर जगह सपोर्टर बीजेपी सपोर्टर है, राम कुमार भैया को सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं भैया। अच्छा, हम तो पूछे रहे कि भाई किनको वोट दिए, आप तो एकदम सीधा सीधा। हाँ, जो बात है हम लोग साफ है, राम मंदिर बना भैया, हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं, हिंदुत्व का पूरा। अच्छा,
हिंदुत्व का सपोर्टर, पूरा सपोर्टर है, वोट दे दिए ना जी जी। क्या कुछ मुद्दा लेकर आए थे यहाँ पर? मुद्दा सर, मुद्दा मेरे लिए ये था कि जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा स्टेट में, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था डेवलपमेंट स्टेट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैया सम्मान योजना या ये सब से जो बाहरी बेनिफिट है उससे नहीं होगा। हम लोग को बेस चाहिए, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो सबसे बड़ा इशू ये था कि अभी बालू का भी सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है, बालू कहीं नहीं मिल रहा है और इससे कंस्ट्रक्शन का वर्क बंद है, लेबर क्लास इफेक्टेड है, आपको उससे ऊपर का क्लास जो जिसका गिट्टी छड़ सीमेंट बालू का काम है वो सब इफेक्टेड है। तो पूरा इकोनॉमिक बेस करता है सर कंस्ट्रक्शन पे, व्यवसाय है आप? जी जी, इसीलिए बालू वालू बोला। और कुछ? और सर हमारा तो इशू HEC को भी लेके है, HEC भी अगर HEC को लेके है तो वो तो केंद्र सरकार ना देखेगा सर, अगर केंद्र नहीं देख रहा तो स्टेट नहीं देखेगा क्या? केंद्र के अधीन में है तब स्टेट उसको नहीं ले सकता हैंडओवर क्या? ये तो इशू चला था ना बीच में, मैटर तो हेमंत सरकार बोली थी ना कि केंद्र, हाँ इसका जिम्मेवार मतलब केंद्र नहीं है, राज्य सरकार है। केंद्र भी है। अगर केंद्र काम नहीं कर रही है और हमको विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम लोग को प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर और गवर्नमेंट पर पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और बेटर काम होगा, बेटर काम होगा। एक मिनट पर आपका फोटो लेंगे। देखिए लोग हैं यहाँ पर आए हैं और ये जो दिखाना चाहेंगे कि जो DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 धुरुआ है, ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की जनता से हमने बात किया और ये मन जानने का प्रयास किया कि यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है और किस मुद्दे को लेकर जो है वो वोट करने निकली है, और तमाम तरह की जो बातें हैं यहाँ पर सामने आई है। तो जिस तरह से क्षेत्र की जनता ने हमारे चैनल के माध्यम से अपना संदेश देने की कोशिश की और बताने का ये प्रयास किया कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक बदलाव जो है यानी परिवर्तन वो देखना चाहते हैं। अब देखने वाली बात हुई कि आज जो है दूसरे चरण की वोटिंग जो है आज हुई है और 23 नवंबर को जो है वो रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट में ये पता चल पाएगा कि कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत कर सामने आता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों से देखने के लिए बने रहिए GN भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।